अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखर मकदम है। हम बेलगाम शहर के सतीश जारकीहोली के इनके रिहाइश गाह पर मौजूद हैं और कई सारा पीछे देख सकते हैं कि कई सारे मीडिया वाले यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे सतीश जारकीहोली अपने जिस मामले को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है मुल्की सतह पर, ना सिर्फ रियासत में बल्कि मुल्की सतह पर एक बहस छिड़ी हुई है कि जो मानव बंधुत्व वेदिके के नाम से जो निपानी में इजलास रखा गया था, उस इजलास में सतीश जारकीहोली ने हिंदू लफ्ज, ये भारतीय नहीं है बल्कि ये पर्शियन है, इसे लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। हिंदुत्ववादी तंजीमें, भाजपा और दिगर फिरका परस्त तंजीमें भी इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि जो है ये एक तरह से अपमान है। लिहाजा आज भी सतीश जारकीहोली अपने इस बात पर कायम है कि मैं अगर माफ़ी मांगूं तो किस लिए मांगूं, क्योंकि इस पर बहस होनी चाहिए और ये पर्शियन लफ्ज़ है। अगर पर्शियन लफ्ज़ नहीं है तो ये भारतीय हिंदू लफ्ज़ जो है वो भारतीय है और भारत से ही बना हुआ है, इसको साबित किया जाए। और इसी बात को लेकर कई सारे मीडिया वाले यहाँ पर सुबह से वो मौजूद हैं। पीछे देख सकते हैं सतीश जारकीहोली साहब, वो आज भी जो है वो लोगों से मुलाकात दे रहे हैं और वो अपनी बात पर कायम है। लिहाजा इस बात को लेकर कांग्रेस में भी मुख्तलिफ राय आ रही है, लेकिन अपनी बात पर सतीश जारकीहोली अभी भी कायम है और वो ये कह रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। एक नई बहस को सवाल छेड़ा हुआ है और इसके लिए जिगर गुर्दे की बात है सर, आपने जो कहा, और यकीन जैसा पर्शियन लफ्ज़ के बारे में अब कांग्रेस पार्टी और फिर विपक्ष भी एक तरह से आपको निशाने पे लिया जा रहा है, तो ये आपका आप क्या वाकई माफ़ी मांगेंगे या फिर आप बहस करने के लिए जा रही है? मैंने चर्चे की बात कही। हमारा पार्टी तो इसमें हमको टारगेट नहीं किया है, उनको अभी जानकारी देना बाकी है कौन सा नहीं है, वो तो है। अभी देखिए ये 3 दिन का पहले का स्टेटमेंट है सुरजेवाला साहब को, आप जाके पूछेंगे सतीश साहब ने ऐसा हिंदू विरोधी कहा है तो क्या करेंगे? वो नेचुरली गलत है, अगर वो किया तो निंदा करता हूँ, मगर हमने कहीं इधर तो आप नीचे देखना पड़ेगा ना, हिंदू हमने विरोधी बात किया है क्या किया है? अभी दिल्ली में उनको पूछा गया, आपका एक वर्किंग प्रेसिडेंट ने हिंदू के टारगेट किया है, गलत बोल दिया है, तो नेचुरली नहीं, हम कोई हो कांग्रेस का कोई सिपाही हो वो निंदा करता है, वो किया है, मगर अभी 3 दिन के बाद तो बहुत अभी हल हो गया है, इतना रश नहीं है, अभी लोगों समझने की कोशिश कर रहा है क्या हुआ है। निपाणी में जो है 2 शब्दों पे चर्चा हो रहा है, एक हिंदू, मैंने कहा हिंदू का शब्द आया है पर्शियन से आया है, ये किताब में है, बहुत बहुत किताब है, बहुत बहुत हिस्टोरियन है इतिहासकार, उन्होंने लिखा है, और एक तरफ हिंदू मीनिंग बहुत गलत है, गंदा है, ये डिक्शनरी में है। मैंने कहा ये दोनों शब्द के बारे में चर्चा होना चाहिए, हाँ, हिंदू शब्द कहाँ से आया और हिंदू मीनिंग के बारे में गलत डिक्शनरी में है। आप अपने बयान पर कायम है? बेसलान पुस्तक मेरा नहीं है, हाँ नहीं, मेरा खुद का बयान नहीं, वो बुक में है, बुक में रेफर किया हूँ मैं। जी जी, चर्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, फिर पर्शियन से फिर हिंदुस्तान कैसे आ गया ये सब मैंने बड़ा चर्चा करो और उसमें गलत मीनिंग लिखा है डिक्शनरी में, उसके बारे में चर्चा करो। सर एक तरह से आपने बिल्कुल एक दुखती रग पर हाथ रखा है सर, तो कहीं आप जो है गौरी लंकेश जैसा पहले विचारवंत आए थे और जब भी उन्होंने इस तरह से बात की, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई, क्या आपको इस बारे में डर नहीं लगता? हाँ, हमको अंदाज़ा है वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, उसको अंदाज तो पहले से है वो क्या कर सकता है, क्या क्या वो इतिहास में किसको क्या क्या किया है, वो सभी हमको जानकारी है, ऐसा नहीं है, उसके बारे में हम अलर्ट हैं उसके बारे में।
तो निशाना बनाते रहते हैं, ये तो नया नहीं है। लेकिन दूसरा एक पहलू इस तरह से भी देखा जाए कि सर, दक्षिण भारत में आप एक तरह से काशीराम बनकर बहुजन समाज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोलकर जो एक नारा लगाया गया था, तो बहुजनों को लेकर जो इस तरह से एक नया एक प्लेटफॉर्म खुलता नजर आ रहा है सर, ये तरह से इस तरह से एक फ़ायदा भी तो है। हम तो बहुजन समाज के लिए पिछड़े वर्ग को लिए हमारा लड़ाई है, काम है। वो कहीं ना कहीं कुछ लोग देख नहीं पाते हैं, अभी मौका मिल गया है, ख़त्म करेंगे। मगर इतिहास ने वो बहुत लोगों को ख़त्म किया है राजनीतिक में, मगर हमारे पास रास्ता बहुत रखा हूँ पहले से। अगर एक रास्ता फेल हो गया है, हवाई जहाज को चार इंजन रहता है, हाँ एक बंद होता है तो बंद करके चला सकता है, दूसरा भी बंद कर सकते हैं, दो पे भी चला सकते हैं, अगर नियरेस्ट लैंड एयरपोर्ट पर लैंड भी कर सकते हैं, वो जानकारी मुझे है। ऐसा ही नहीं है सतीश जारकिहोली के पास MLA लेने के पास सब कुछ करेगा, बगैर भी मैं कर सकता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी अगर आप पर कार्रवाई की बात करती है, अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, तो आप का अगला क्या रहेगा सर, मंसूबा क्या रहेगा, आपका प्लानिंग क्या रहेगा? ठीक है, कौन से आधार पे एक्शन लेंगे पार्टी और अन्य लोगों ने, उनका मांग है आपको अपोलॉजी देना है। ठीक है, अपोलॉजी देंगे, कौन से बेस पे हम देंगे, टीवी में चर्चा होने के बाद तो उसके आधार पे देंगे, या कोई ट्वीट किया है उसके आधार पे हम माफ़ी मांगे, प्रूव होना चाहिए ना किधर, तो अथेंटिकेट प्रूव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सर, इतनी छोटी बात को लेकर आपको निशाना बनाने की वजह? देखिए, पहले तो हम तो एक सिस्टम से लड़ते हैं, वो सिस्टम बहुत पावरफुल है, ज़बरदस्त है, पूरा देश को चलाता है। और खास करके मैं भी पिछड़े वर्ग का हूँ, दूसरी उसका निशाना है, तीसरी कांग्रेस का हूँ, ये तीनों उनका निशाना है, इसके लिए इसको थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है। सर, मनुवादी शक्तियाँ, अगर मैं सीधे बात कहूँ तो मनुवादी शक्तियाँ आपको निशाना पर लेना चाहती है, आप क्या तैयारियाँ? नहीं, बोल दिया ना, ये मनुवादी का ही षड्यंत्र है, हमने बोला ना, मैंने 20 साल पहले ही इसको रास्ता अलग करके रखा हूँ, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।